नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आइए आपको मिलाते हैं इस घर में रहने वाले एक ऐसे प्राणी से जो अपनी साफ सफाई को तो भूल ही चुका है। इसके अलावा ऐसा व्यतीत होता है कि उसने इस संसार से त्याग ही ले लिया हो। सुबह 11 बजे। लो जी जनाब, अब 11 बाजे सोकर उठे और उठते ही साथ लघुशंका अर्थार्थ शौच अर्थार्थ अगासन मतलब हगने चलेगी। अब जितनी देर ये संदास में रील्स देखते हुए अपना वक्त बर्बाद करेंगे, उतनी देर ये देख लीजिए कि इन्होंने अपना कमरा कितना बर्बाद किया हुआ है। और अगर आप लोग ये भी नहीं देखना चाहते तो आप इतनी देर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता के नाम पर एक सब्सक्राइब तो बनता ही ना। सो क्रिंज। हाँ जी, तो हगने के बाद मैं बाहर आ चुका हूँ और वॉइस ओवर इतना ही था, मतलब AI जनरेटेड वॉइस ओवर इतना ही था। अब आप मेरी आवाज में ये वॉइस ओवर सुनिए। और यहाँ मैं बैठ कर रील स्क्रॉल करने लग गया क्योंकि मेरे को संडे को और कोई काम नहीं होता। ये मैं अपना संडे डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री करने का ख्याल मेरा तभी आया क्योंकि मैं रील्स नेटफ्लिक्स देख रहा था। आगे की मेरी बात सुनिए। साला फोन चलाते चलाते 1 घंटा कब निकल गया पता भी, पर अभी भी चला। हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम, स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। कैसी लगी ये डॉक्यूमेंट्री? ये थोड़ा नेटफ्लिक्स देख देख के थोड़ा ऐसा चाव हुआ और गौरते नीचे के ब्लॉग्स भी मैंने ऐसे से देखे तो मन किया। तो अभी चलते हैं आगे, ले चलते हैं आपको कहीं ना कहीं दूर और फिर मिलते हैं। जय श्री श्याम। और उसके बाद आया मेरे को अपने दोस्त का फोन और मैं चुपचाप दुकान की तरफ को निकल गया। निकला तब कुछ सूखा वेदर था और अब एकदम बारिश, मतलब अभी भी थोड़ी कई जगह सूखा पड़ा है लेकिन बारिश गीला हो चुका है और हम भी थोड़े थोड़े गीले हो चुके थे बट आ चुके हैं हम दुकान पर। और अभी अंदर चल रहा है पेंट का काम जरूर शरों से, भाई लोग लगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दुकान से वापस मैं घर आया। घर आकर मैंने सोचा जो ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ इसे एडिट करने में भी तो बहुत मेहनत लगेगी, तो मैं इतनी देर लैपटॉप खोला और लैपटॉप खोल के मैं इस व्लॉग को एडिट करने का काम चालू किया। तो मैंने उसके लिए डाटा इकट्ठा किया और अब एग की कहानी खुद देखिए। और इसके बाद अभी भी हमारी यहाँ तक की एडिटिंग होगी जो आपने देखी। और फिर अभी आगे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया एक रैंडम लाइव सेशन चंद्र शर्मा के साथ, चंद्र शर्मा ब्लॉग्स। और फिर रुक जाना भाई 2 मिनट। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि वो गए थे कुरुक्षेत्र कल, मतलब आज 10 बजे उनका ब्लॉग आ चुका होगा। हमारा 3 बजे हमने बात करके हम 3 बजे तक अपना ब्लॉग डाल देंगे, तो ऐसा कुछ हमने अपना स्केड्यूल बताया। हमने थोड़े से इस ब्लॉग के ग्लिम्प्स भी दिखाए और ऐसा कुछ आज का था कार्यक्रम हमारा। लेकिन अभी तक हमारा साला सिर्फ 3 मिनट का ब्लॉग हुआ है तो इसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। इतनी एडिटिंग के बाद, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 3 मिनट का ब्लॉग, हे राम, कहाँ जाऊँगा मैं? अब इतनी बातें करके ही मैं टाइमिंग बढ़ाऊँगा। चलो बाय, अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और उसके बाद मिलूँगा। जय श्री श्याम। ये मैं विशाल से लेके आया था वेज हाका नूडल्स, तो आज इनकी शामत आई। काफ़ी टाइम पहले लाया था मैं और अभी ने उबालने रख दिया। अभी मेरे पास शिमला मिर्च की कमी है तो अभी हम शिमला मिर्च लेने जा रहे हैं, साथ साथ रात की कोई सब्जी भी ले आएंगे। जय श्री श्याम। कल जी से शॉपिंग करने के बाद यहाँ हमने ली फ्रांस बीन और शिमला मिर्च, लेकिन मुझे पता चला कि ये सीट फटी हुई है और इससे मेरी पूरा पजामा गीला हो गया। तो अभी तो गीला हो ही चुका है तो फिर से जाएंगे और उसके बाद चाउमीन बनाएंगे। हम
हमने इतना बड़ा सांद ले लिया, कढ़ाई ले ली, और ये हमारी फलियाँ उबल रही हैं, माने की बीन्स, और ये हमारी शिमला मिर्च, ये हमारा प्याज, और ये हमारी चाउमीन, मतलब कि वेज हाका नूडल्स। और कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है, और इसके बाद हम चाउमीन बना के ही मिलेंगे आपको। A few moments later, हमने ये कुछ फ्राइड राइस जैसा सा बना दिया, मैदे का फ्राइड राइस। अब क्रॉस में देकर दिखाते हैं, पता नहीं क्या ही बना है ये। ये वेज हाका नूडल्स ये कभी मत लेना, ये मैंने विशाल में चलते फिरते उठा लिए थे, कभी मत लेना, बहुत गंदे बने हैं। मैं मेरे को चाउमीन बनानी आती है, लेकिन वो जो 50 रुपये वाला पैकेट वहाँ से मिलता है ना चाउमीन वालों पे से, तो वो ले लेना, मतलब बना बनाया नहीं। हाफ स्टीम चाउमीन मिलती है बद्रीपुर में, जो खालसा फास्ट फूड है उस पर मिल जाएगी, वहाँ से ले लेना। क्या चाउमीन वाले से 50 रुपये की चाउमीन ही ना ले ले, इससे अच्छा, वैसे वो ज़्यादा अच्छा था। साला ये पता नहीं क्या ही बना है, अभी खा के देखते हैं, जिंदा रहेंगे तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जय श्री श्याम। सो इससे आगे हम ब्लॉग कंटिन्यू करना रह गए, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई हिम्मत ही नहीं हुई कि हम आपके आगे शक्ल दिखा सके ऐसा खाना बनाने के बाद। हाँ, तो अगर आपको आज का, मतलब यार बहुत एडिटिंग हो रही थी इस वाले सीन में, मतलब बहुत मैं साथ साथ एडिट कर रहा था, उसके बाद भी सुबह से लेके बस मैं एडिट करने में ही लग गया, छोटे छोटे क्लिप्स बनाता बनाता, उसके बाद अब वॉइस ओवर दे रहा हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, बहुत दिनों बाद एंडिंग कर रहा हूँ मैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, थोड़ा नया कुछ करने का ट्राई किया, तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। 700 तो करी दो यार, 693 हो रखे हैं, 693, 700 जल्दी से जल्दी कर दो। और अब आपसे मिलेंगे कल एक नए ताज़े व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।